अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तुर्की विज़िट के एक नए व्लॉग में मैं हूँ इस तुर्की के शहर कोनिया में, और मैं आज सुबह ही पहुँचा हूँ यहाँ इस्तांबुल से। इस सिटी में मेरा आने का मकसद जस्ट एक ही था। ये देखें मेरे सामने, ये है मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मकबरा। तो मेरा मकसद था सिर्फ इस सिटी को विज़िट करना। मैं सुबह यहाँ पहुँचा था, आज 31 मई है, सुबह 8 बजे पहुंचा था, और मैं फ्लाइट ली थी इस्तांबुल से ही। दूर है सिटी थोड़ा सा, लेकिन 1 घंटे की फ़्लाइट है। तो मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप विज़िट करना चाहें तो आपको बता दूँ कैसे विज़िट कर सकते हैं। मैं इस्तांबुल से आया हूँ, पिगासस एयरलाइन की मुझे फ़्लाइट मिली थी $35 की, 1 घंटे की फ़्लाइट है। यहाँ पास में ही मैंने होटल लिया था, booking.com से बुक किया था $15 में पर डे। उसका नाम भी मौलाना होटल है। और थोड़ा सुबह 8 बजे पहुँचा हूँ, थोड़ा आराम किया है क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा है, तो इसलिए मैं अभी आया हूँ। विज़िट करूँगा मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मकबरा। मेरा बहुत देर से प्लान था कि मैं जब भी जाऊँगा टर्की तो इस सिटी को लाजमी विज़िट करूँगा। तो मैं आया हूँ इस सिटी को विज़िट करने। आइए आपको दिखाता हूँ अंदर से जाके म्यूज़ियम, और ये जहाँ मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मकबरा है, ये सारा इलाका आपको दिखाता हूँ। ये मेरे सामने इसका एंट्री गेट है, वो लिखा हुआ है कोनिया द सिटी ऑफ हार्ट्स। बहुत ही ज़्यादा पुरसकून माहौल है, इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है। म्यूज़ियम शॉप है इस साइड पे, और इधर कोई लोग बैठे कुछ ख़ास इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, जो आई थिंक इसको सूफी इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, उसी की निस्बत से वैसा ही साज है। ओके, जो ये लोग म्यूज़िक बजा रहे थे ना, ये रूमी के लवर्स हैं, और ये बेसिकली ईरानियन हैं, ईरान का ग्रुप आया हुआ है यहाँ। तो मैं वीडियो बना रहा था, उन्होंने बाद में कहा कि हम मुझे आप आईफोन से बना रहा था, उन्होंने कहा कि ये क्लिप हमें भेज दें काइंडली अपने हमारे सोशल मीडिया के लिए। तो मैंने भेजा, तो उनसे इंट्रोडक्शन हुआ, ये भाई भी उनके साथ थे, तो इन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि रात को हमारे होटल आइएगा, हम वहाँ म्यूज़िक प्रोग्राम होगा हमारा ईरानियंस का, तो इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। तो रूमी के बारे में बात होने लगी मौलाना रूमी के, तो इन्होंने कहा कि यहाँ इलामा इकबाल की भी कोई आई थिंक कोई मॉन्यूमेंट है, तो आओ तुम्हें दिखाता हूँ। यस ओके, वो जो पहली एक जो पत्थर है, जो इस साइड पे पत्थर है जिसके आगे कुछ और पत्थर पड़े हैं, जो खड़ा हुआ है उस पे लिखा हुआ है इकबाल, अगर आप देख सकते हैं। तो क्योंकि वो भी रूमी के चाहने वाले थे, तो उनकी निस्बत से यहाँ लगाया हुआ है। वैसे तो आम दिनों में ये खुली होती है जगह, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेंटेनेंस हो रही है, रेनोवेशन हो रही है, तो इस वजह से इस जगह पे जाना मना है। ये देखें तो कंस्ट्रक्शन की वजह से उन्होंने मना किया हुआ है। तो अब इंशाल्लाह आगे चलते हैं बिल्डिंग के अंदर। सो यहाँ से आप आगे म्यूज़ियम की तरफ जा सकते हैं। यहाँ जैसे इंटर होंगे यहाँ भी कुछ कब्रें हैं, और इस साइड से मेन एंट्रेंस है। आजकल नहीं, काफ़ी दिनों से एक पाकिस्तान में आई थिंक PTV पे चल रहा है एक ड्रामा यूनस इमरे के नाम से। वो यूनस इमरे भी इस यही पास में एक मदरसा है जहाँ से वो जो दिखाया गया कि वो तलीम हासिल की है, वो भी यहीं पास में है इसी सिटी में। तो टूरिस्ट भी आए हुए हैं, ज़्यादातर लोग टूर गाइड के साथ आते हैं,
क्योंकि फॉरेनर्स को लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है, और जो नॉन मुस्लिम है उनको अगर हिस्ट्री का भी ज़्यादा नहीं पता होता तो इसलिए लोग ज़्यादा आते हैं अपने टूर गाइड के साथ। ये देखें लिखा हुआ है या हज़रत मौलाना, और आई थिंक यहीं से एंट्री है अंदर की। यहाँ बाहर भी कब्रें हैं कुछ। यहाँ पे आप शूज़ के ऊपर आपको चढ़ाना पड़ेगा वो जो ग्लव्स से होते हैं, और फिर उसके बाद अंदर एंट्री है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है म्यूज़ियम की। और ये देखें जो उस वक्त के उलमा कराम थे वो ऐसी, अगर उस वक्त के आप फिल्में ड्रामे भी देखें ऐसी ही पगड़ी पहनते थे। ये अरबाब खुरासानी उर्दू में लिखा हुआ है, हरासान इरलेरी, इनको टच करना मना है, ऊपर लिखा हुआ है। आगे हैं आप, बिल्कुल इसी तरह की और भी कब्रें हैं। कैलीग्राफी बहुत प्यारी है यहाँ पे। और दूसरी साइड पे है ना, जो एक तो कब्रें हैं, ये कैसे हैं, सेलेबी हुसामेदीन 1283। अच्छा, यहाँ जो सबसे बेहतरीन चीज़ है ना, कुरान पाक के नुस्खे पड़े हैं बहुत पुराने पुराने, जैसे ये 1250 का है, ये भी 1250 का है, अच्छा 1550 का है ये। ऐसे ही नुस्खे पड़े हैं इधर, ये इसका ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें आप। ये है हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूम की कब्र मुबारक, ये जो सामने है। तो यहाँ पे दुआ करते हैं सबसे पहले, फिर आगे चलते हैं। सब लोग दुआ कर रहे हैं, दुआ कर लिया मौलाना जलालुद्दीन रूमी की कब्र मुबारक पे। बहुत ही पुरसकून माहौल है, लोग ज़्यादातर बहुत चुप चुप खड़े हैं, दुआ मांग रहे हैं मौला के जो अकीदतमंद हैं। बहुत दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे, ये भी पुरानी चीज़ें हैं उस वक्त की। ये कपड़े पे, या आई थिंक ऐसे लग रहा है कपड़े पे कुछ लिखा हुआ है, अरबी की लिखी हुई है। ये कुरान पाक है, ओटमन एम्पायर 16th सेंचुरी का है। ये 1314, बहुत पुराने नुस्खे हैं यहाँ पे। इस साइड से एग्जिट है, बहुत ही पुरसकून माहौल है, और लिटरली मैंने लोगों को रोते देखा है जो रूमी के अकीदतमंद हैं उनको, क्योंकि इनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इधर प्रेयर एरिया है, लड़कियों के लिए भी, औरतों के लिए भी है, और आगे मर्दों के लिए भी है।
इस साइड से इसका एग्जिट है। मैं मकबरे के जो बाहर की चीजें हैं वो आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। इस साइड पे भी कब्रें हैं और इलामा इकबाल साहब की जो वो मॉन्यूमेंट है वो इसी साइड पे है, लेकिन वो बंद है इस वक्त। ये इनका ऊपर का गुंबद है। इस साइड पे छोटी छोटी शॉप सी बनी हुई हैं। आई थिंक यहाँ से वो ट्रेडिशनल चीज़ें या बुक्स वगैरह और स्वीनियर्स वगैरह मिलती होंगी, जैसा कि हर जगह पे होता है। नहीं, यहाँ पे वो नहीं है। वो देखें, यानी कि उस दौर का एक टच दिया हुआ है कि जैसे उस दौर में होती थी बुज़ुर्गों की महफिलें, वो बैठ के जैसे के ड्रामों में दिखाया गया है, उनके जो कलीमात चलती थी जब। ये शम्स तब्रेजी इज बोर्न इन तब्रेज एंड सन ऑफ ये शम्स तब्रेजी का भी इधर है कुछ, नहीं मकबरा तो उनका शायद मुल्तान में है, लेकिन उसकी नस्बत से यहाँ कुछ है सही कोई मॉन्यूमेंट ना, मैंने उस बारे में पढ़ा था। तो ऐसे ये मकबरे के सामने बनी हुई हैं छोटे छोटे कमरे। ये देखें, ये उस दौर की ही कोई बुक है। सूफी म्यूजिक में अहम इंस्ट्रूमेंट है और देखने से तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट ही लग रहे हैं म्यूजिक के। ये भी इधर भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। म्यूजियम के अंदर फोटो वीडियो बना है तो मुझे तो एक ही चीज़ लेनी होती है, मैग्नेट, जो मुझे कलेक्ट करने का शौक है। कोनिया लिखा हुआ है और ये जो सामने मेरे मकबरा है मौलाना साहब का, इसकी एक तस्वीर बनी हुई है। ये ले लिए, यहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है, 40 लीरा का मिला है। यही अगर आप बाहर से लेंगे तो हाफ कीमत में मिल जाएगा, लेकिन मकबरे के पास से लेना था ताकि एक मेमोरी रहे। यहाँ से आप एग्जिट करेंगे और ये आप फिर उसी साइड पे निकलेंगे जहाँ से इस साइड से आया था मैं। ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ से 2 मिनट की वॉक पे मेरा है होटल, शायद मैंने बताया। मैंने $15 पर नाइट लिया है, booking.com से ही मैंने उसको बुक किया था। ये सामने एक मस्जिद है, सुल्तान सलीम समी इस पे लिखा हुआ है, और ये बनी है 1570 में। चलें इसके अंदर भी जाके देख लेते हैं। अच्छा, ये मस्जिद है सुल्तान सलीम समी यातिम कससी के नाम से। गुंबद बड़ा प्यारा है। मैं सुल्तान सलीम मास्क के पास बैठा था तो मेरी बिलाल भाई से मुलाकात हुई है। बिलाल भाई कराची से हैं और ये टूरिस्ट गाइड हैं कोनिया सिटी में, स्पेशली इस एरिया में जो जहाँ मौलाना रूमी का मकबरा है, और कोनिया सिटी भी आप कह सकते हैं। तो अगर आप कहीं से आ रहे हैं पाकिस्तान से या किसी और जगह से और आपको टूर गाइड की ज़रूरत है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में बिलाल भाई का नंबर दे दूँगा व्हाट्सएप, आप इनसे रब्ता कीजिएगा। बिलाल भाई, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आप। जी, मैं यहाँ टीचर हूँ IHH फाउंडेशन का, और मैं यहाँ जर्मन लोगों को टूर कराता हूँ और मुख्तलिफ़ कंट्री से पाकिस्तान इंडियन भी आते हैं।
तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, सुल्तान अलाउद्दीन, जलालुद्दीन रूमी, इनके वालिद हज़रत शम्स तबरेज़, सदरुद्दीन कौन भी, हज़रत आतिशबाज, और चीज़ें इंशाल्लाह सारी विज़िट करने के लिए रब्ता कर सकते हैं। ज़रूर रब्ता करें बिलाल भाई से, अगर आप आ रहे हैं तो आपको मुकम्मल गाइड करेंगे, तारीखी चीज़ें भी दिखाएंगे, खाना पीना रहाइश हर चीज़ के बारे में गाइड करेंगे आप। मैंने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया है यहाँ, वो सामने मस्जिद देखी है, बिलाल के पास बैठा रहा हूँ, इधर घूमा फिरा हुआ है साइडों पे, और अब ये सामने एक बाज़ार है, ये बाज़ार देखता हूँ और इस व्लॉग को एंड करूँगा, फिर शायद सिटी में कोई जगह देखूँगा आपको। यहाँ देखें वही चीज़ें हैं जो आप कह सकें कि पाकिस्तान में भी जहाँ रिलीजियस प्लेसेस होती हैं, मकबरे वगैरह, उनके पास होती हैं। एक तो मकामी चीज़ें हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं इस मीठी चीज़ को, पाकिस्तान में भी पड़ी होती हैं, सुवेनियर वगैरह। ये मैं एक शॉप के अंदर आया हूँ, पहले मैं एक शॉप के अंदर गया था, सॉरी शॉप वो म्यूज़ियम के, तो वहाँ तो उन्होंने कहा था फ़ोटोग्राफी ना करें, यहाँ मैं बग़ैर पूछे कर रहा हूँ, वो बैठे नहीं हैं। एक्चुअली असल में मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, तस्वीर वगैरह लेनी है, क्योंकि म्यूज़ियम में काफ़ी महंगी थी, तो इनमें से कुछ सिलेक्ट करता हूँ। इस शॉप में आया हूँ और तस्वीरें वगैरह स्टोन हैं सारे, थोड़ी सी महंगी दे रहे हैं। यहाँ की स्वीट्स हैं, मैं कोई ख़ास शौकीन नहीं हूँ स्वीट्स का, बहुत ही वैसे प्यारी चीज़ें हैं यहाँ, फिर वही स्वीट्स जो दरबारों के पास होती हैं। और ये चीज़ें मैंने ली हैं, तस्वीर ली है 80 लीरा की, ये मेरे लिए लाजमी थी, मैंने किसी को देनी थी, कोनिया। और ये चीज़ें जो फिर मैं हर जगह से कलेक्ट करता हूँ, दो ये लिए हैं मैग्नेट और एक तस्वीर, भाई ने मुझे 20 लीरा डिस्काउंट दिया बस। ये था आज का कोनिया में मौलाना रूमी के दरबार का विज़िट। इस व्लॉग को मैं यही एंड कर रहा हूँ, देखता हूँ अभी बारिश शुरू होगी, अगर होटल ना गया तो मैं कहीं और जगह पे जाता हूँ, लेकिन शाम को मैं जो टर्किश हैं, सॉरी ईरानियन, उनके पास जाऊँगा, उनकी महफिल है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाते हैं, अपनी महफिल गाएंगे, वो सारे रूमी लवर्स हैं, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, तो शाम नेक्स्ट व्लॉग में वो लाजमी देखिएगा आप। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।